सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरफैक्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा जो आधार कार्ड पे जो जैसे कि आपने देखा होगा ऑनलाइन सर्विसेज कुछ बंद हो गई है, तो फ्रेंड्स उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आप खुद से भी ऑनलाइन जो कि आपका नाम है, जेंडर है, मेल है, मोबाइल नंबर है, खुद से भी कैसे कर सकते हैं, वही प्रोसेस मैं आज आपको करके बताऊँगा। कम्प्लीटली प्रोसेस को देखना है स्टेप बाई स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपका जो गूगल क्रोम है, ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन कर लेंगे। देखिए, और एक चीज़ और बताऊं कि आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आधार नंबर मांगेगा और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड स्टेटस, इस पर जाएंगे हम और यहाँ पे सबसे नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे देखिए माई आधार वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे थ्री रो जो आ रही हैं, इस रो पे क्लिक करेंगे। रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए माय आधार वाला जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए गेट आधार वाला जो ऑप्शन है इस पर जाएंगे। जैसे हम गेट आधार वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लोकल्ट एंड एनरोलमेंट सेंटर। ये क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि अब ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि बंद हो गई हैं तो कुछ कस्टमर जो हैं नज़दीकी सेंटर में जाके अपने आधार कार्ड को अपडेट करा रहे हैं, जैसे कि उनके अपने मोबाइल नंबर्स हैं या उनका नाम गलत है या उनका डेट ऑफ बर्थ बोलते जन्म तारीख गलत है या उनका एड्रेस गलत है, तो जिसके कारणवश बहुत सारा क्राउड हो रहा है, क्राउड बोलते भीड़ भाड़ हो रही है। तो गाइज, इसी भीड़ भाड़ से बचने के लिए जो सेकंड ऑप्शन है बुक एंड अपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे बुक एंड अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन है ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फ्रेश आधार एनरोलमेंट, अगर आपको नया आधार बनाना है या आपको नेम अपडेट करना है या आपको एड्रेस अपडेट करना है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या बायोमेट्रिक अपडेट करना है, तो ये सब आप अपना खुद से अपॉइंटमेंट बुक करके नज़दीकी सेंटर पर जाके बिना भीड़ भाड़ के आप अपने खुद से कर पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका सिटी है फ्रेंड्स, वो आपको सिटी सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कम्प्लीटली प्रोसेस आपको करके बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो भी आपका सिटी नज़दीक में है वो सिटी आपको ले लेना है और यहाँ पे प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन पे जाना है आपको। और यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको अगर अपडेट आधार अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करनी है, जैसे मैंने बताया था मोबाइल नंबर अपडेट, तो मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पर आपका जो भी है मोबाइल नंबर मैंशन करना होगा आपको, जैसे कि फ्रेंड्स मैं करके बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा कोड डालना है आपको। जैसे कि मैंने कैप्चा डाल दिया है यहाँ पे और जनरेट वाला, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो भी आपका जिस नंबर को आपको अपडेट करना है उस नंबर पे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी आप, तो देखिए हमारा जो ओटीपी है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको जो है दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रेसिडेंट का एक नॉन रेसिडेंट का। जो नॉन रेसिडेंट वाला जो ऑप्शन है वो एनआरआई का जनरल, जैसे जो कि बाहर से जो कैंडिडेट हमारे इंडिया में आए हुए हैं उनके लिए ऑप्शन है। रेसिडेंट बोले कि जो कि हम यहाँ इंडिया के रेसिडेंट हैं, ये हमारे लिए ऑप्शन, तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर टिक करना है और आपको जो आपका आधार नंबर है वो मैंशन करना है, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ। और जो भी आपके आधार पे नेम मेंशन है वो नेम भी आपको मेंशन करना होगा। और जो ये वाला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन वेरीफाइड टाइप, ये डॉक्यूमेंट रहेगा। और यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट मेंशन करोगे आप। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट मेंशन करोगे और जो सिटी है वो सिटी मेंशन करोगे और जो भी नज़दीक में आपका सेंटर है, जैसे कि मेरा ये सेंटर है तो मैं वो सेंटर मेंशन करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। तो देखिए नेक्स्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो जो भी आपको अपडेट करना है बोल तो नेम, जेंडर, न्यू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या बायोमेट्रिक अपडेट। जैसे कि मुझे नंबर अपना अपडेट करना है फ्रेंड्स, तो मैं नंबर वाला जो सेक्शंस है मैं उस पर टिक करूँगा।
तो जैसे कि मैंने नंबर वाले सेक्शन पे टिक कर दिया है, तो ये देखिए जो 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, जो 50 रुपये फ़ी है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, जिससे कि वहाँ पे जाके सेंटर पे जाके हमें पेमेंट ना देनी पड़े। तो फ्रेंड्स ये हम ऑनलाइन कर देंगे, इसके टिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट सेक्शन जो डेट्स हैं, मतलब जिस भी डेट्स में आपको जाना हो वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट करके जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग पे मुझे जाना है, इस टाइमिंग पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो मेरी अपॉइंटमेंट डिटेल्स है वो सारी आ चुकी हैं तीसरे स्टेप में, और जो कि मुझे अब सबमिट करना है उसको पेमेंट करना है। सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए जो भी ऑनलाइन आपको पेमेंट मोड है, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि दे रखा है यहाँ पे, आप क्रेडिट कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी, नेट बैंकिंग से भी, यूपीआई सेक्शन से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं यूपीआई सेक्शन से पेमेंट करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेक पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 50 रुपये जो भी आपका यूपीआई आईडी हो वो यूपीआई आईडी हम मेंशन करेंगे, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ। इसको वेरीफाई करेंगे, जैसे कि मैंने वेरीफाई कर लिया, मेरा वेरीफाई हो गया, यूपीआई प्रोसेस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमें यूपीआई पे एक पॉपअप जाएगा। पॉपअप के ज़रिए हम पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें ऐसा एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खुद से भी अपने आधार कार्ड में जो भी आपको अपडेट कराना है, बोले तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या एड्रेस या अपना खुद का मोबाइल नंबर, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।